हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीवान कैप्शन पर। तो आज हम बात करेंगे कि आप इस तरीके के लोगों को कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना है। इसके ओपन हो जाने के बाद गाइस आपको नीचे आकर वाइट बैकग्राउंड को इसमें ले लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टिकर पर क्लिक कर लेना है। स्टिकर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर सर्च पर क्लिक करके यहाँ लिखना है ट्रायंगल। ट्रायंगल आने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेना है, आपको इतने सारे ट्रायंगल मिल जाएंगे। आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे रिसेंट में एक ट्रायंगल मैंने यूज़ किया हुआ है, मैं उसको ले लेता हूँ। आपको ये वाला ट्रायंगल भी यहाँ पर नीचे आकर मिल जाएगा। इसके बाद इसे एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके ऐड फोटो पर जाकर अपनी कटआउट की हुई इमेज को इसमें ले लेना है। अगर आपको बैकग्राउंड कट करना नहीं आता तो आप मेरी और वीडियो भी देख सकते हैं। इसको लेने के बाद आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। इसको आगे करके एफएक्स पर क्लिक कर लेना है। मैजिक में जाकर आपको इसको एंड में जाकर इस वाले फिल्टर को इस पर अप्लाई कर देना है। इसके बाद इसी पर एक और बार क्लिक करके आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली टिक पर क्लिक कर देना है। हमारी फ़ोटो कुछ ऐसी हो जाएगी। इसके बाद आपको एडजस्ट पर क्लिक करके आपको इसको देख लेना है कि ये कैसी ठीक लग रही है। इसके बाद सिंपली टिक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आपको इसको ठीक करके ऐसे यहाँ थोड़ी आगे आकर इसके ऑपेसिटी को थोड़े कम करके ये जहाँ जहाँ से बाहर आ रही है हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं इसको। मैं गाइस आपको इरेज करने के बाद दिखाता हूँ। तो इरेज करने के बाद हमारी पिक कुछ ऐसी हो जाएगी। इसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है, इसकी ओपेसिटी को फुल कर देना है। इसके बाद आपको एक और बार टिक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके हेयर और बियर्ड थोड़ी सी वाइट लग रही है, तो इसको ब्लैक करने के लिए आपको टूल्स पर जाकर एडजस्ट पर जाकर इसकी ब्राइटनेस को कम कर देंगे, कंट्रास्ट को बढ़ा देंगे, इसकी हाइट कम कर देंगे। ऐसा करने के बाद आपको सिंपली इरेजर पर क्लिक करना है। इसकी हार्डनेस और साइज को छोटा करके बियर्ड और हेयर को छोड़कर हम हर जगह पर इरेज कर देंगे। जैसा आप देख सकते हैं वैसे ही कर सकते हैं इसमें। इसका करने के बाद हमारी इमेज कुछ ऐसी हो जाएगी। इसके बाद आपको सिंपली टिक पर क्लिक कर देना है। तो हमारी इमेज तैयार हो चुकी है गाइस। इसके बाद आपको आगे क्लिक करके अपनी इमेज को सेव कर लेना है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।